नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। डोनाल्ड ट्रंप ने सस्पेंड किया H1B वीजा, भारतीयों को भी बड़ा झटका। कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल तैयार, पतंजलि करेगी ऐलान। हज पर सऊदी का बड़ा फैसला, इस बार नहीं आ सकेंगे बाहरी लोग। जय माही ने सेलिब्रेट किया अपने बेटे राजवीर का बर्थडे, रखी एवेंजर्स थीम पार्टी। भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन पोकर टूर्नामेंट सीरीज में जीते 22 करोड़। दिल्ली में फिर बढ़े 3000 के करीब कोरोना मरीज, कुल केस 62655। राहुल गांधी ने ट्वीट से सरकार पर साधा निशाना, पूछा क्या चीन का जमीन पर कब्जा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में घायल हुए CRPF के जवान ने अस्पताल में तोड़ा दम। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू, CM रूपानी ने की शुरुआत। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ में हुए आतंकियों के पास से 2 AK-47 बरामद। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर, वही CRPF का एक जवान घायल। राजस्थान में CPI ने MLA बलवान पुनिया को 1 साल के लिए किया निलंबित। नेहा ने छोड़ा सोशल मीडिया, कहा जब दुनिया बेहतर हो जाएगी तब मुझे बता देना। राजेंद्र गोयल के निधन पर बोले कोहली, कहा हमने एक दिग्गज खो दिया। गाजियाबाद में पानी से भरे बाल्टी में 10 महीने के बच्चे की गिरकर मौत। राहुल गांधी ने सरकार से फिर पूछा सवाल, कहा भारतीय जमीन पर क्या चीन ने कब्जा किया है। दिल्ली से सिडनी विमान लेकर गया एयर इंडिया का पायलट, मिला कोरोना पॉजिटिव। लद्दाख में LAC पर बढ़ी सुरक्षा, चीनी सैनिकों पर ड्रोन से रखी जा रही है नजर। मुंबई में एक स्क्रैप गोदाम में लगी आग, मौके पर दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौजूद। विंडीज के खिलाफ सीरीज में इंग्लैंड के खिलाड़ियों के शर्ट पर होंगे कोरोना योद्धाओं के नाम। इजरायली कंपनी ने चमत्कारी मास्क बनाने का किया दावा, कहा 99% वायरस नष्ट करने में सफल। महासचिव नोरो ने कहा कि चीन की BRI को लेकर भारत की असहमति से SCO को खतरा नहीं। अब जापान ने भी चीन को घेरा, विवादित द्वीप पर अपना नियंत्रण और मजबूत किया। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच बढ़ा तनाव, सीमा पर फेंके जा रहे हैं लिफलेट्स और पंपलेट्स। भारतीय मूल के निखिल राठी बने ब्रिटेन के वित्त नियामक के नए CEO।